हेलो 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 एवरीवन फाइनली हमारा इंतज़ार आज पूरा हुआ सो हेलो हाय एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं आपके सामने आपका होस्ट और दोस्त हर्षिस झालानी एंड uh, आज हम करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन की स्टार्ट और uh, देखो बेसिकली uh, आप लोग अच्छे से मुझे जानते ही हैं और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि देखो यार uh, माना कि भाई आपको जो एग्ज़ाम होगा वो इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ थिंग इट्स नॉट एट ऑल अ नो डाउट अबाउट दैट बट होता क्या है कि आपको एक आईक्यू भी अपने अंदर डेवलप करना होना होना चाहिए क्योंकि डिफ्रेंस कहाँ क्रिएट हो जाता है जैसे जो टॉपर है वो एक बार में ही एक निंजा टेक्निक आनी चाहिए आप लोगों को ताकि जिससे आप फटाफट से आंसर दे सकें देखो मोटो ये नहीं है कि आंसर सही करना है आंसर भी सही करना है और टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ठीक है टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है दैट इज़ द मेजर मोटो ठीक है है मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही आ, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है दैट इज द मेजर मोटो ऑफ आर ठीक है हम सबका मेजर मोटो क्या है टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना ठीक है तो देखो यार उसके लिए आपको एक आई भी अच्छा डेवलप होना चाहिए कि आपका दिमाग इतना शार्प हो कि आपको जल्दी से आंसर टिक कर दें तो उसके लिए ये सेशन है अगर आपको और भी इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट जो भी फीडबैक आपको देना हो आप जरूर कमेंट में दीजिए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है और ऐसी कौन सी सीरीज में आपके लिए लाऊं ताकि आपको और मजा आए है ना तो अपन कुछ अलग तरीके से आज समझने वाले हैं इन सभी चीजों को ठीक है क्या मेरी वॉइस अब ऑडिबल है एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना नाउ गाइस एम आई ऑडिबल एंड विजिबल जल्दी से लाइक like और शेयर कर दो सबसे पहले तो इन सेशन को सारे बच्चे ठीक है जल्द ही लाइक और शेयर कर दो ओके चलिए सो so, uh, मैं आपको अन अकेडमी के साथ साथ अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे भी मिलता हूँ और वहां पे भी पढ़ाता हूँ प्लस वहां पे आपके लिए हर एक चीज मिलेगी जो कि आपको एक कंप्लीट सोर्स है जहां से जिसके थ्रू आप अपना जर्नी को एकदम सक्सेसफुल पाथ में कवर अप पूरा नीट एग्जाम क्लियर करके ही हम आपको छोड़ेंगे ठीक है तो आप अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें वहाँ पे बेस्ट इंडियाज के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं ठीक है कोटा टीम है एवरी वियर इज देयर सो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यूज द कोड एच जे लाइव जब भी आप अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन लें इस कोड का जरूर यूज़ करें ये कोड आप यूज़ करें फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ये कोड यूज़ करें आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं ठीक है चलिए सो चलिए ओके गाइज ओके सो so, uh, पहले तो ये बताओ मुझे कि हाउ मैनी ऑफ यू कभी कि, किसी ने क्रॉसवर्ड सॉल्व करा है पहले बताओ हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेशेंस टू सॉल्व क्रॉसवर्ड वर्ड और uh, पहले आपने सब ने करा है क्रॉसवर्ड वर्ड सॉल्व पहले ये बताओ मुझे हाँ पूरा होगा पूरा डेली होगा डेली क्रॉसवर्ड होगा बेटा आपको सब चीज़ें मिल जाएगी पी वाई क्यू कम्प्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में बना रहा हूँ आपको मिल जाएगा पूरा टेन ईयर्स का डोंट वरी अबाउट इट आ बताएं बताएं और बताएं यू हैव सॉल्व क्रॉस वर्ड पहले आपने सॉल्व कर रखा है क्रॉसवर्ड नहीं कर रखा पहला टाइम है हैं कभी ऐसी चीज़ों में सर फंसे ही नहीं हम लोग हैं इतना टाइम कहाँ सर हम तो मूवी वीडियोज़ देख लेते हैं काफ़ी हो जाता है यस और नो कभी कभी मज़ा आता है बहुत है ना बट मज़ा आता है ना इट इज़ वेरी इन्जॉयबल एंड मज़ा बहुत आता है क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने में ठीक है चलिए कोई नहीं नहीं कराया तो तो अभी सॉल्व कर लेंगे विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट वी आर गोइंग टू बिगिन द सेशन ओके हाँ नेवर स्टॉप ट्राइंग नेवर स्टॉप बिलीविंग नेवर गिव अप योर डे विल डेफिनेटली गोइंग टू कम ठीक है हमें डेली हाँ हाँ मिलेगा एन सी आर टी पार्ट का सब कुछ मिलने वाला है चिंता ना करो आप ठीक है सो यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग यू शुड नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ यू शुड नेवर गिव अप योर डे विल डेफिनेटली गोइंग टू कम है ना जस्ट बिलीव योर सेल्फ और आपके लिए हर एक चीज होगी ठीक है आप बस अपने पाथ को आ, मतलब कर्म करते जाए फल की चिंता ना करें है ना सीधी सी बात चलिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग अपन सो दिस इज द वर्ड अब देखिए आज अपन मैं आपको बता देता हूँ ठीक है मैं आपको अब क्लियरली बता देता हूँ बच्चा लोग कि हम लोग यहाँ पे दो क्रॉसवर्ड आज सॉल्व करने वाले हैं दोनों क्रॉसवर्ड में हमारे टेन क्वेश्चंस होंगे है ना दोनों क्रॉसवर्ड में हमारे टेन क्वेश्चंस होंगे अब आवाज़ आ, को। आवाज आ रही है आप सभी को अब कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ आ रही है आप सभी को अब ऑडिबल है विजिबल है बेटा मैंने वॉइस इंक्रीज ही कर रखी है सारी मैक्सिमम ही है वॉइस हाँ आ, चालू करें बिगिन करें अब सेशन को अपन आर यू ऑल रेडी सो वी विल कंप्लीट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इसी तरीके से पढ़नी है दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज रिमेंबर जो आप कहना चाहें आपके दिमाग में छप जाना चाहिए मतलब हर एक चीज दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है चलिए सो so, एक बार थोड़ा जोश दिखा दो कमेंट बॉक्स में भी है ना बिजली की रफ्तार से कमेंट बॉक्स भागना चाहिए तो अपन फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ठीक है अच्छा और सब लोग सब सब लोग है ना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ पेन और पेपर जरूर लो देखो क्रॉसवर्ड कैसे सॉल्व करते हो पेन पेपर लेके बैठते हो ना दिमाग में तो नहीं सॉल्व कर लेते पूरा का पूरा सर दिमाग में सॉल्व कर लेता हूँ सर मैं तो हाँ हाँ इस सीरीज़ को मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा इस सीरीज को मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा अगर आपको अच्छा लगा इस सीरीज को अगर आपको अच्छा लगा तो ये सेशन मैं डेली लूंगा ये देखो इसको एक ऐसे ही ना समझना कि भाई ये ये सीरीज आपको बस आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ज़रूरी है आपके आई डेवलप करने के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए ठीक है आपका हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगा चलिए ओके डन 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 चलिए सो दिस इज पहला, दिस इज द फर्स्ट ऑल आपके लिए सामने आ, पहला क्या कहते हैं उसको क्रॉसवर्ड आ चुका है और इस क्रॉसवर्ड को आपको डिकोड करना है मैं इसको अच्छे से शो करने वाला हूँ पहले एक बार सारे बच्चे स्क्रीन ले लो फिर मैं इसको आपको एक बार अच्छे से शो करने वाला हूँ डोंट वरी अबाउट इट है ना अभी बहुत सौ को दिख नहीं रहा होगा मैं अभी आपको अच्छे से शो करने वाला हूँ डोंट वरी पहले एक बार स्क्रीन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट एवरी वन एक बार स्क्रीन ले लो ताकि आपके पास ये रहेगा ठीक है हाँ 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 थैंक यू थैंक यू ऑल गाइस हाँ पूरा इनऑर्गेनिक यहां से करेंगे अपन पूरा इनऑर्गेनिक इन्हीं के सहारे तो ये सामने आपके क्वेश्चंस हैं और आपके क्वेश्चन इधर आ गए और ये आपका क्रॉसवर्ड आ गया तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए ठीक है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट तो मैं आपके लिए स्टार्ट कर दू टेक स्क्रीन शॉट है ना ले लिया स्क्रीन शॉट चलो चलो फिर चालू भी हो जाओ स्क्रीन अगर ले लिया है आप लोगों ने तो चालू भी हो जाओ ये रहा बच्चा लोग ये रहा आपका अक्रॉस और ठीक है दिख रहा है आपको ये अपने को फिल करना है ठीक है मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बना के लेकर आया हूँ आप आप लोगों के लिए अब आराम से दें अक्रॉस में वन और जब भी आंसर दें अक्रॉस और डाउन बोल दें है ना या फोन नंबर फिफ्थ नंबर जो जो भी हो मैं वहाँ पे फिल करने का पूरा रखूँगा फिर मैं आपको आंसर शो करता हूँ चलिए आ, ये रहा ये रहा अक्रॉस और डाउन अक्रॉस समझते हैं आप अक्रॉस होगा आपका हॉरिजॉन्टल और डाउन होगा आपका वर्टिकल ठीक है क्लियर है हाँ तो बस आंसर धड़ाधड़ देते जाए मुझे फिर मैं भरता जाता हूँ क्रॉसवर्ड और अपन लोग मजे करते हैं पूरा खुद से करें है ना पूरा खुद से करें और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार आप लोग हाँ एक बार एक एक आंसर मत दो देखो एक एक, एक आंसर तो मत दो अच्छे से पूरे आंसर्स दो सारे बच्चे सारे आंसर्स दो सारे आंसर्स दो सारे बच्चे चलो ट्राई कर लो स्टार्ट कर लो फटाफट से देखो ये आपका बेस्ट है मेंटल मतलब एकदम मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए मजा आ जाने वाला है ठीक है आपकी मेंटल एक्सरसाइज मज़ेदार होने वाली है इससे बस स्टार्ट हो जाओ आप लोग आंसर देना है ना आंसर देना आप लोग स्टार्ट हो जाओ ये है वन है ना वन वन अक्रॉस में भी है डाउन में भी है ये बच्चा टू है ये आपका थ्री है ये आपका फोर है ये आपका फाइव है ये आपका सिक्स है ये आपका सेवन है ये आपका एट है ये आपका नाइन है ठीक है जल्दी से बताएं, कोशिश करो कोशिश करो सारे बच्चे ओके ओके सल्फर का आंसर आया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वन में ब्लू वन में ब्लू फिल करना है ब्लू कहाँ फिल करना है ओके वन अक्रॉस में ब्लू ठीक है ये लो भैया ब्लू फिल कर दिया मैंने ब्लू ब्लू ये फिल हो चुका है ना ब्लू फिल हो चुका है आपके लिए ठीक है ब्लू फिल कर ले आगे बताओ आगे बताओ आगे बताते जाओ आप स्क्रीन शॉट ले लें है ना एक सॉल्व ले ले, करें और फिर फटाफट एकदम से जाग के आए और आंसर पुट कर दें कमेंट बॉक्स में चलिए आयोडीन का ब्लू फिल कर दिया मैंने अक्रॉस में करना था ना हाँ अक्रॉस में कर दिया ब्लू और बोलो जल्दी सारे सॉल्व करने देखो सारे सॉल्व करने सबसे खासियत यही है कि इसमें आपको हिंट के थ्रू सॉल्व करने पड़ेंगे और मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा है ना इनऑर्गेनिक देखो इनऑर्गेनिक तो आनी चाहिए थोड़ा आई भी अच्छा होना चाहिए तो हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है चलिए करिए ओके एक सेकंड बच्चों मैं ये थोड़ा थिक ले लेता हूं हां ये है आपका ब्लू ये आ गया यहाँ पे हमारा ब्लू ओके और बताएं अब बताएं और आगे कहाँ पे क्या आएगा टू अक्रॉस बीटा सल्फर ओके दिख रहा है सभी को टू अक्रॉस बीटा सल्फर देखो ये सीरीज अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगी है ना पूरे यूट्यूब पे कभी भी नहीं हुई है ये सबसे यूनिक मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने कि देखो बच्चों के साथ कुछ खेल खेलते हैं चलिए बताए टू डाउन फ्लोरिन बोल रहे हैं टू डाउन फ्लोरिन टू डाउन फ्लोरिन द हेलोजन विच नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद एजी एनोथ्री ठीक है चलो फ्लोरिन दे देते हैं अपन टू डाउन फ्लोरिन फ्लोरिन आ गया बच्चा एफ एल फ्लोरिन ये ये लिख दिया फ्लोरीन, ये लिख दिया दिया बच्चा लोग. ठीक है? हमने. और बोलो. बोलो और और भाई. भी, भी लिख दिया आपका. और वो भी लिख दिया बोल रहे हैं. जल्दी से धड़ाधड़ सॉल्व करो यार. है ना ऐसे मजा नहीं आएगा फटाफट से सॉल्व करते जाओ को, हाँ। और बोलो द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट बिलो सिक्स अक्रॉस नाइट्रोजन ना एन टू भी आ रहा है सिक्स अक्रॉस एन टू आ रहा है ओके सिक्स अक्रॉस इज एन टू ओके सिक्स कहाँ है बच्चा सिक्स भी फिल कर देता हूँ नाइट्रोजन बोल रहे हैं ये येरा सिक्स रहा नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन ओके ये फिल हो गया एकदम अच्छे से जल्दी जल्दी है ना हिंट भी मिल जाएगा तुम्हें हाँ सिक्स डाउन सिक्स डाउन नाइट्रोजन फिल कर दिया मैंने और बोलो सेवन अक्रॉस दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में एलोट्रॉप थ्री डाउन वाइट थ्री डाउन वाइट हाँ थ्री डाउन वाइट फॉस्फरस बहुत सही पकड़ा हुआ थ्री डाउन वाइट फॉस्फोरस थ्री एक सेकेंड मोनोमर ऑफ पी फोरस वाइट फॉस्फोरस थ्री डाउन वाइट एस मोनोमर ऑफ पी फोर एस वाइट फॉस्फोरस ओके चलिए बहुत बढ़िया वाइट फॉस्फोरस डाल देता हूँ मैं है ना थ्री डाउन वाइट बोल रहे हैं आप लोग और और बोले और बोलते जाए देखो करते जाओ एक बार सारा आंसर बोलते जाओ सारे बच्चे फाइव अग्रॉस इज ऑक्सीडाइजिंग थ्री डाउन फाइव इज एक बार सारे क्वेश्चन मैंने आपको शो कर दिया बस अब अपन को यहाँ पे फिल करना है ना बस अब अपने को क्या करना है यहाँ पे फिल कर देना है जल्दी से बताओ कोशिश करो सारे बच्चे सब सारे क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करें कोशिश जरूर करें कोशिश करने वालों का हार नहीं होता जल्दी से बताएं वाइट फास्फोरस है व्हाइट फॉस्फोरस आ रहा है व्हाइट फॉस्फोरस आपका आ रहा है ओके okay. बेटा आप करके देखिए ना क्या हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है व्हाइट फॉस्फोरस तो अलग कलर से दिख देता हूं ताकि मतलब अपने को विजिबल रहेगा ना ये मैं ये वाले कलर से इसको यहां पे डिनोट कर देता हूँ ये है व्हाइट फॉस्फोरस वाइट फॉस फो रस वाइट फॉस्फरस लिख दिया गया है है ना वाइट फॉस्फरस मैंने आपके सामने लिख दिया गया है और बोलिए और बोलिए और बोलते जाएं फाइव अग्रॉसेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बैठ रहा है यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बैठ रहा देखो क्या आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ई आ रहा है ई e आ रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलो ये एजेंट तो है ये तो मान लिया बात कि भाई ये एजेंट तो है, है? नहीं एजेंट भी नहीं है है ना एजेंट भी थोड़ा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा एजेंट को भी एजेंट भी फिक्स नहीं हो रहा है यहाँ से न, थोड़ा सोचो सोचो क्या होगा कहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है बताएं सोचें ब्लीचिंग एजेंट हाँ ये सही बोला है निक ने सही बोल दिया है ब्लीचिंग एजेंट हाँ ब्लीचिंग एजेंट बहुत सही पकड़ा है ये अच्छा मैंने ट्रिकी डाला था पर ठीक है पकड़ लिया तो अच्छी बात है ब्लीचिंग एजेंट बच्चा लोग ब्लीचिंग एजेंट है वेरी गुड वेरी गुड और बोलो देखो ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको यहाँ पे भरना है ना ये पूरे क्वेश्चन हैं इनको यहाँ पे भरना है आप लोगों को कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना और अगर तुम्हें यहां पे आ जाए अगर तुम्हें सबसे पहले अगर आपको आंसर आ जाए तो जल्दी से बताओ यार जल्दी से टाइम ना लगाओ जल्दी से ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट मेटाबोरेट मुस्कान इज सेइंग एट अक्रॉस इज मेटाबोरेट हेलो एवरीवन हेलो नाइन डाउन टू एंड एट अक्रॉस इज मेटाबोरेट नाइन डाउन इज टू नाइन डाउन एज टू क्या टू टू आएगा क्या वही नाइन डाउन बेसिसिटी ऑफ थायो सल्फ्यूरिक एसिड एकदम सही बोला है नाइन डाउन इज टू टी डब्ल्यू ओ और बोलो एट अक्रॉस इज मेटाबोरेट अल्फाज ने भी सही पकड़ा है डाउन वन इज बैरिल बैरिल है वही है ना बैरिल है सेवन इज एलो ट्रॉप सेवन इज एलो बहुत सही पकड़े हो एलो ट्रॉप्स बस दो तीन बाकी हैं जल्दी से कर दो तो इसको दो तीन और बाकी हैं जल्दी से करो जल्दी से ट्राई टू सॉल्व दिस जल्दी बताएं. और क्या होगा

इतना जल्दी सॉल्व कर दिया वाओ ज्यादा क्रॉसवर्ड लाने पड़े एक और लाया मैं है ना एक और लाया दो क्रॉसवर्ड लाए एक तो हो जाएगा और एक और एट्थ का क्या है देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे बोरेक्स बी अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ मेटा बोरेट्स वेरी गुड मेटा बोरेट्स मेटा बोरेट्स मेटा बोरेट्स समझ आया कैसे हुआ ये सब कुछ आपकी दुनिया में देखो कंप्लीटेड वी हैव कम्पलीटेड एंड कितना कम्प्लीट कर लिया बच्चा लोग हो चुका है कम्प्लीट हो चुका है दन, 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 आया, मजा आया आर यू ऑल एंजॉइंग मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करो नेक्स्ट वाले पे पढ़े बोलो कहीं और कहीं और कहीं दिक्कत हो तो आप बताओ मजा आया सभी को हाँ इफ यू आर एंजॉइंग दिस तो जरूर कमेंट में जरूर डालना है ना तो मैं और भी ऐसी आप लोगों के लिए और क्रिएट करूँगा चले आगे नेक्स्ट पे बढ़ें आगे की और देखो ये सबसे अच्छा तरीका है ना इनऑर्गेनिक भी आपके दिमाग में आती जाएगी है ना इनऑर्गेनिक को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है ऐसे समझ सकते हैं और तो मज़ा है ही मज़ा तो है ही क्योंकि गेम तो चल ही रहा है ठीक है तो जल्द ही बताएं हो गया आंसर डन है चले आगे नेक्स्ट वाले पे शुड वी बिगन द नेक्स्ट वन हाँ हाँ नेक्स्ट वाले पे बने ओके थैंक यू नेक्स्ट पे बढ़ें सब लोग रेडी हैं हाँ नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट वाला और डेली हाँ, होगा ये डेली होगा बेटा नेक्स्ट वाले पे बढ़ा जाए यस नो डन डन डना क्लियर है चलिए सो नेक्स्ट वाले के लिए रेडी है, है ना चलो नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला है आपके सामने येरा बच्चा लोग नेक्स्ट वाला है ये रहा अच्छे से देख लें इसको अच्छे से देख लें पहले मैं दिखा देता हूं आप क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से सारे एक एक करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें फिर अपन उस क्रॉस वर्ड पे पर चलते हैं क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से है ना कहीं स्क्रीनशॉट रख लें इस क्वेश्चन का वॉन अर्कल मेथड ये पूरा मेटलर्जी पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मेटलर्जी में जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर बनाया है मेटलर्जी के ऊपर ऐसे डी एंड एफ ब्लॉक के पाँच छः सबके मतलब पूरा क्लियर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लाइंस ऑफ हर एन के पेज से आपको क्रॉसवर्ड मिल जाए तो आपको कुछ याद करने की जगह नहीं आपके दिमाग में वो बस जाएगा मतलब दिमाग में मजे आ जाएंगे है ना दिमाग में हर एक चीज आपके दिमाग में ठीक है क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा अंडरस्टूड द पॉइंट क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को चले आगे की और चलिए ये देख लीजिए पहले सारे बच्चे ये देख लीजिए हाँ 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 ये देख लीजिए सबसे पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन वॉन अर्कल मेथड इज यूज वॉन अर्कल मेथड इज यूज्ड देखिएगा। अपन। one method is used. अभी देखो यार फिर आंसर है ना बहुत सारे more than one हो जाते हैं। तो सेक्शन में जो फिट होगा अल्ट्रा प्योर मेटल हॉर्न सिल्वर इज वॉट इन द एक्सट्रेक्शन सिल्वर सल्फाइड इज डिजॉल्ड इन वॉट मिनरल ऑफ आयरन इज वॉट और मेटल विच अगर इन द नेटिव स्टेट इज वॉट चलिए चलें क्वेश्चन पे ओके तो ये रहा आपका हमारे सामने ये रहा पूरा का पूरा चीजें ठीक है जल्दी से बताएं क्या क्या किस किस को आप अपन भरना स्टार्ट करें बोले बोल दो अब आप फटाफट भरना स्टार्ट कर दो किसको कहाँ भरूँ मैं बोल दो आप जैसे बोलते जाएंगे आई विल फिल द मॉल हाँ ओके भर दिया है थ्री अक्रॉस फाइव अक्रॉस सिल्वर सल्फाइड दोनों पे एक ही आएगा क्या दोनों पे एक तो नहीं आएगा चलिए बताओ इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से थर्ड अक्रॉस इज टाइटेनियम थर्ड अक्रॉस इज टाइटेनियम बोल रहे हैं ओके वन इज गैंग सर थर्ड क्रॉस इज दिस फोर्थ क्रॉस इज दिस ओके चलिए देखते हैं अपन लोग हाँ आप क्या बोल रहे हैं वन डाउन इज गैंग वन डाउन है दम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दर इज कॉल्ड गैंग ठीक है गैंग ले लेते हैं अपन लोग यहाँ पे ये आ गया हमारा पहला गैंग ठीक है ये आ गया गैंग ये भर दिया मैंने गैंग ठीक है भाई गैंग भर दिया और बोलो आगे बढ़ो आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आंसर बताते जाओ आगे बढ़ते जाओ और आंसर बताते जाओ ठीक है थ्री अक्रॉस इज प्लेटिनम वन डाउन इज गैंग हा गैंग तो थ्री अक्रॉस प्लेटिनम बोल रहे हैं तो थ्री अक्रॉस थ्री अक्रॉस में ये रहा वॉन अलकल मेथड इज यूज फॉर प्लेटिनम ओके ठीक है पोटेशियम बोल रहे हैं थड़का देख लो क्या होगा बच्चे का आंसर फाइव अग्राह सिल्वर क्लोराइड ओके सेवन इज कॉपर फोर डाउन इज एल्युमिनियम ओके वेरी गुड चलिए बहुत बढ़िया देखो मुझे बोल रहे हैं फोर डाउन एल्युमिनियम बोल रहे हैं ना फोर डाउन एल्युमिनियम बोल रहे हैं फोर डाउन में बोल रहे हैं बच्चा लोग एल्यूमिनियम है सर फोल डाउन है एल्युमिनियम देख लेता हूँ मैं क्या फोर डाउन एल्युमिनियम है क्या फोर डाउन इज एल्युमिनियम दो चार लोग बोल चुके हैं और थर्ड अक्रॉस बोल रहे हैं टाइटेनियम पक्के से फोर डाउन एल्यूमिनियम बोल रहे हैं और थर्ड अक्रॉस बोल रहे हैं मुझे टाइटेनियम देख लेते हैं अभी गैंग और चलिए ये तो टाइटेनियम आ गया अपना वेरी गुड ये हो गया आपका टाइटेनियम टाइटेनियम ठीक है टाइटेनियम आ गया यहाँ पे और बोलो और कहा पे एल्यूमिनियम बोल रहे हैं अपन लोग फोर्थ डाउन एल्यूमिनियम ठीक है फोर्थ डाउन एज एलुमिनियम आप बोल रहे हैं चलिए ठीक है ये भी भर दिया एल्यूमिनियम भी भर दिया तो ये वाला हिस्सा तो अपना पूरा हो गया एल्यूमिनियम ठीक है ये वाला हिस्सा हो गया हमारा पूरा अब अपन चलते हैं इधर चलिए अब बताएं यहाँ पे सेकेंड का क्या होगा फिफ्थ का क्या होगा और बताते जाए अब अब ये थोड़ा है ना ट्रिकी है ये थोड़े ट्रिकी डाले हुए हैं मैंने थोड़ा आप सोचना अच्छे से फिर बताओ थोड़ा अच्छे से सोचो फिर बताओ आंसर्स सेकंड डाउन ऑफ जिंक एडिशन ऑफ जिंक सेकेंड डाउन नहीं 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 ऐसा नहीं है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं देखो ना पढ़ो अच्छे से नहीं नहीं सिल्वर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लेड बाय और एक प्रोसेस का नाम आएगा प्रोसेस का नाम मैं आपको हिंट बता देता हूँ लिक्वेशन प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग लिक्वेशन प्रोसेस इज फॉर अच्छा में तीन ही है ना बेटा नाइन डाउन में तीन ही है चार ब्लॉक नहीं है तो जिंक कैसे आएगा तीन ब्लॉक वाला आएगा तीन ब्लॉक वाला ये भी समझो ना हाँ तीन ब्लॉक आएगा तीन ब्लॉक देखो अपन को आंसर देखो एक क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं नो प्रॉब्लम बट अपन को वो फिट करना है जिससे अपना पजल पूर, पूरा सॉल्व हो जाए क्रॉसवर्ड का मतलब यही तो है ना आपको वो सोचना है जिससे अपना क्रॉसवर्ड पूरा हो जाए चलिए बताएं। टेन हां अब समझे ना अब चमका दिमाग अब चमका बहुत से बच्चों का हाँ नाइन डाउन अब चमकाना दिमाग यस अब अब तीन पे आ गए तुम लोग अब आ गए तीन पे हाँ नाइन डाउन पे अब आ गए ना हाँ ये आ गया है आप लोग आ चुके हैं तीन पे वेरी गुड वेरी गुड बताएं क्या होगा इसका आंसर दिख रहा है मुझे मैं आपके यहाँ पे आ, 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 आपके कमेंट्स भी देखता जा रहा हूँ बताते जाओ नाइन डाउन एज टेन बोल रहे हैं नाइन डाउन एज टेन बोल देते हैं भाई नाइन डाउन टेन डाल देते हैं अपन यहाँ पे अब लो टेन डाल दिया नाइन डाउन पे टेन डाल दिया और बोलो आगे बोलो ठीक है जैसे आपने वो क्वेश्चन नहीं होते क्या ऑल ऑफ दीज वन और टू ऑप्शन करेक्ट तो उस हिसाब से देखना रहता है बच्चा लोग चलिए आगे बताएं एट अक्रॉस इज मैग्नेटाइट एट अक्रॉस इज मैग्नेटाइट बोल रहे हैं ओके एट अक्रॉस मैग्नेटाइट है क्या देखते हैं एट अक्रॉस इज मैग्नेटाइट एट अक्रॉसेस मैग्नेटाइट बोला गया है हीटाइट बोल रहे हैं या मैग्नेटाइट बोल रहे हो मैग्नेटाइट हाँ देखो देखो दोनों और हैं दोनों और हैं तो अपने मिनरल ऑफ आयरन तो मैग्नेटाइट फिल करते हैं एट अक्रॉस में तो फिट होना चाहिए देखो अपना तो फिट होना चाहिए मैग्नेटाइट ठीक है हो गया फिट मैग्नेटाइट हो गया हो गया हो गया मैग्नेटाइट फिट हो गया अगला बताओ अगला बताओ पूरा सॉल्व कराना है ना पूरा सॉल्व करना है हाँ मैग्नेटाइट भी भर दिया और टेंथ बोल रहे हैं सिल्वर टेंथ डाउन इज सिल्वर डाउन में कहाँ है अक्रॉस में है सिल्वर तो हाँ टेंथ डाउन इज सिल्वर टेंथ डाउन अक्रॉस में है ना सिल्वर तो जी यहाँ पे देखो टेंथ वाला क्वेश्चन क्या है अपना मेटल विच अकर्स इन नेटिव स्टेट सो सिंपल सी बात है जो मेटल नेटिव स्टेट में अकर कर सकता है दैट विल बी योर सिल्वर ओनली दैट विल बी योर सिल्वर ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और बताओ आगे सेवन डाउन मर्करी ओके सेवन डाउन मर्करी होगा सेवन डाउन मर्करी होगा ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सेवेंथ क्वेश्चन क्या था सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चा आपका सेवेंथ क्वेश्चन आपका है ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर द सल्फाइड और ऑटो रिडक्शन प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द सल्फाइड इज ऑर एज ठीक है

Question. Fifth question is सिल्वर कैन बी सेपरेटेड बाई फ्राम लेट बाई सैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लेट बाये है सेकेंड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है हॉर्न सिल्फर इज एन हॉर्न सिल्वर इज फिफ्थ वाला बॉटी है न और सिक्स वाला है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर सिल्वर सिल्फाइड इज डिजॉल्ड एन इन द एक्सट्रेक्शन सिल्वर सिल्फाइड इज डिजॉल्व एन बताओ पार्क प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और और कोई नाम और कोई नाम हाँ देखो पार्क्स प्रोसेस पर फिट नहीं होगा ना आप वो देखो देखो सेकंड का वो नाम आना चाहिए जो एंड किस पे करें एंड पे करें ये देखो सेकंड वाले का वो नाम आना चाहिए जो एंड किस पे करें कैपिटल एन पे करें सोचो 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 सेकंड वाले का वो नाम आना चाहिए जो एंड किस पे करें आपका एन पे करें बताओ सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ मैं सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन अभी बोल भी चुका हूँ आप सभी के सामने बताओ क्या आंसर होगा एजीसीएल फिफ्थ एजीसीएल कैसे लिखेंगे यहाँ सिल्वर क्लोराइड नहीं आ पाएगा उसमें फिट नहीं होगा यहाँ फंस गए हम लोग वाह वेरी गुड वरीधि ने सबसे पहले बोला है बहुत बढ़िया वरीदी ने हमें मुश्किल से निकाल लिया है बहुत बढ़िया वेरी गुड वरीधि और बहुत बढ़िया वरीदी ने बोला है बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो क्यूपलेशन है ना एंड पे तो खत्म हो रहा है तो ट्राई तो ले सकते हैं अपन इसका क्यूपलेशन क्यूपलेशन ठीक है क्यूपलेशन क्यूपलेशन ठीक है नहीं नहीं और डबल मैंने स्पेलिंग मिस्टेक डाल दी जस्ट एमनेट है ना इसको मैं लिख देता हूँ आपका क्यूपलेशन ठीक है हाँ ये हो गया क्यूपलेशन ठीक है और बोलो और आगे बोलो क्यूपलेशन बोलते हैं भाई सेकेंड वाले को जिसमें अपन क्या कर सकें जिसमें अपन क्या कर सकें क्यूपलेशन के प्रोसेस में हम लोग ये कर सकें कि आपका जो सिल्वर है उसको एक्सट्रैक्ट कर दें लेड से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेड से और बताओ हॉर्न सिल्वर इज वॉट और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज डिजोल्ड इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ सिल्वर सिल्वर सल्फाइड इज डिजोल्व इन जल्दी से बताओ कैसे आ सकता है रिडक्टन कैसे आएगा फिफ्थ में आर ई डी होता है अपना तो आर ई एल हो रहा है ना मतलब फिर कैसे होगा रिडक्टन तो नहीं आएगा और बताओ और कुछ दिक... दिमाग चल रहा हो तो और कुछ आपका दिमाग चल रहा हो तो बताओ फिफ्थ और सिक्स्थ लास्ट दो बची है क्विज फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन ये रहें अब ये कुछ भी नाम लेने लगे क्लोरा ये कैसे होगा फिफ्थ hmm? फिफ्थ देखो फिफ्थ है हॉर्न सिल्वर इज अ एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर सिल्वर सल्फाइड इज रिजॉल्व इन हॉर्न सिल्वर इज द इन एक्सट्रैक्शन ये ये जो है ना सिक्स वाला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है फिफ्थ बता देता हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि uh, हॉन सिल्वर क्या है हॉर्न सिल्वर क्या है हॉर्न सिल्वर किस टाइप का क्या चीज़ है हॉर्न सिल्वर चलो हिंट भी दूंगा अगर है ना कुछ नहीं आएगा तो हॉर्न सिल्वर इज़ अ और सिक्स है जब सिल्वर को निकालते हैं ए जी टू एस में से जब सिल्वर को निकालते हैं ए जी टू एस में से तो वो कौन से सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है कौन से सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है देखिए कौन बताएगा बहुत बढ़िया किसने बताया ये सबसे पहले बताया है सबसे पहले आ, ये क्या नाम है इनका भवेश ने भवेश ने सबसे भावेश ने सबसे पहले बता दिया है क्रॉस हेलाइडोर अक्रॉस हैलाइड और बस ये ऐसा ही दिमाग चलना चाहिए है ना एकदम दिमाग के कपाट खुल जाने चाहिए आपके हैलाइड और आ गया फिट हो गया फिफ्थ बैठ गया हैलाइड और बैठ गया वही फिफ्थ हैलाइड और एल होना चाहिए ना आर से फिफ्थ में आर से तो कुछ काम ही नहीं है आ, एल होना चाहिए अब आखिरी बता दो बच्चों आखिरी लास्ट वाला जल्दी से बता दो मुझे लास्ट वाला है वो जल्दी से बता दो डिस्कस करो डिस्कस करो जल्दी से बताओ लास्ट वाला ए AG जी को ए जी टूएस से जब अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ती है तो आपको कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती है जब ए जी को हम ए जी टू एस से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कौन से चीज की जरूरत पड़ती है लास्ट वाला ला लास्ट वाला मैं एक और बार बता दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, है ना बहुत पहले पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये मैंने कोई बनाया नहीं है वाह वेरी गुड सबसे पहले आंसर दिया है हमारे हर्ष शर्मा जी ने निकाल दिया है हमें मुश्किल से और हर्ष दैन शाहीन अब सबके चमक गया है सबको चमक गया है हाँ 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 वेरी गुड देखो क्रॉसवर्ड यही है है ना एक आया तो सबको आ जाएगा फिर बहुत बढ़िया बच्चा सो so, इसमें क्या आ जाएगा पी ओ टी ए पोटेशियम आ रहा है क्या पोटेशियम साइनाइड देख लो फिक्स हो गया पोटेशियम साइनाइड वेरी गुड वेरी गुड मजा आया सभी को मज़ा आया या नहीं आया ये बताओ मुझे मज़ा आया या नहीं आया मज़ा आया कल से कल से अपन थ्री टू फोर क्रॉसवर्ड करेंगे ना तीन से चार क्रॉसवर्ड करेंगे मैंने आज स्टार्टिंग करी थी मैंने कि पता क्या आप आएगा या नहीं आएगा बच्चों को आज जस्ट मैं दो क्रॉसवर्ड बना के लाया था मैंने कि एक में टाइम निकल जाएगा तो दूसरा करेंगे पर तुम लोग तो सारे प्रो निकले और आ, मज़ा आ गया है ना Uh, किस किस को मजा आया हाँ किस किस को मजा आया अगर आपको मजा आया तो जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर अच्छा लगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इससे अच्छा पढ़ने का कोई तरीका नहीं है है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इससे अच्छा पढ़ने का कोई तरीका नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रॉसवर्ड वर्ड की फॉर्म में पढ़ो ताकि आपका दिमाग चलेगा है ना एक आईक्यू क्यू भी बिल्डअप होगा आपका फॉर नीट एग्जाम ठीक है आप केमिस्ट्री का तो पढ़ ही रहे हो प्लस इसी के साथ साथ आपको देखो एक आईक्यू हर एक चीज में डेवलप करना पड़ेगा फिजिक्स का सॉल्व करो पेपर चाहे बायो का सॉल्व करो चाहे केमिस्ट्री का सॉल्व करो हाँ डन 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 मजा आया सभी को चलिए ठीक है जो लोग मिस कर चुके हैं जो लोग मिस कर चुके हैं इसको मैं अभी पीडीएफ डाल देता हूँ वो जरूर अटेंड करें इसको जो लोग मिस कर चुके हैं उसको पीडीएफ डाल देता हूँ उसको अटेंड कर लें ठीक है पीडीएफ डाल देता हूँ उसको अटेंड कर लें ठीक है हाँ हाँ सबके लिए करेंगे अपन अगर आपको मजा आया और आपको देखो मुझे यहाँ पे क्राउड कम से कम हंड्रेड प्लस चाहिए लाइव लर्नर्स है ना तभी मैं कंटिन्यू करूंगा आज पहली क्लास थी अगर मजा आया तो आप कम से कम इतने रोज आना करना अटेंड तो और मजा आएगा अपने को है ना हंस तो बेटा हंसने का क्या है ठीक है और लाइक और शेयर जरूर करें सारे बच्चे और ये सब्सक्रिप्शन है टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब भी आप वन ईयर और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लें अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनके प्लस कोर्सेज रन कर रहे हैं तो आप भी आके ज्वाइन करें और मज़ा आएगा ठीक है चलिए और भी आपको इसमें कुछ चाहिए हो है ना तो मैं ज़रूर लाऊँगा तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस सेम जगह है ना फाइव पी एम टुमोरो वी आर गोइंग टू मीट यू ऑल ठीक है फाइव पी एम टूमोरो कल मिलते हैं ठीक है सो प्लीज स्प्रेड दिस प्लीज लाइक एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल और मिलते हैं कल की क्लास में बाय थैंक यू हाँ बेस्ट ट्रिक फॉर इनऑर्गेनिक रिविजन है ना देखो कम्प्लीट इनऑर्गेनिक का होगा कम्प्लीट इनऑर्गेनिक कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चन होगा इनऑर्गेनिक का तो बेस्ट हो जाएगा अपने लिए है ना रिवाइज करने के लिए ओके थैंक यू ऑल बाय